हाय एवरीवन, वेलकम टू वी राजन ईशा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो करते हैं आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा कि हम टैटू आर्टिस्ट को ढूंढने गए थे, तो राज ने ऑलरेडी जो है टैटू आर्टिस्ट से टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो वो जो अपॉइंटमेंट ली थी वो थी संडे की। तो गाइज आज है वो दिन, आज है संडे। तो हमारी अपॉइंटमेंट जो हमें मिली है वो मिली है वहाँ को शाम को 5 बजे की। तो अभी लगभग 4:15 बज रहे हैं, बस अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। इससे पहले कि हम जाएं तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ समवन स्पेशल से। आई होप कि आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू राज 2.0। सो दिस इज हिज न्यू वर्जन। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। तो एक्चुअली है क्या है कि ईशा पिछले 2-3 हफ्तों से मेरे पीछे पड़ी थी कि आप क्लीन शेव करो, क्लीन शेव करो। एक्चुअली बियर्ड रखने का जो ये आइडिया था ना, इसी का ही था, इसी के बोलने से मैंने बियर्ड रखनी शुरू की थी। सो गाइस, आज अराउंड 1 साल के बाद मैं क्लीन शेव हुआ हूँ। ईशा 2 हफ्ते से मेरे पीछे पड़ी थी कि आप क्लीन शेव हो जाओ, क्लीन शेव हो जाओ। तो आज मैंने फाइनली इनकी बात सुन ली और जब से मैंने क्लीन शेव होके मैं बाहर आया हूँ, ये दोनों मेरे पे हंस रहे हैं। इवन वीवी, आप वीवी को देखते हो यहाँ पे, वीवी वीवी हाय, वीवी मेरे ऊपर हंस रहा है। ये पता नहीं क्यों हंस रहा है, देखो ये भी हंस रहा है मेरे ऊपर और ईशा भी मजाक उड़ा रही है मेरा, और ये दोनों हंस रहे हैं। और इस खुशी में देखो लोगों ने खीर तक बनाई है कि आज बंदे ने बोला क्लीन शेव हुआ है, इतने साल के बाद दाढ़ी काटी है और तो बोला कुछ मीठा होना चाहिए, तो आज खीर बनी हुई है, मैं खीर खा रहा हूँ। ये हंसी जा रहे हैं सारे, इनको पता नहीं कौन सी हंसी आ रही है मुझे देख के। गाइस आप सच सच बता रहे, ऐसे लग रहे जैसे लाला जी होते हैं ना। नहीं क्या लाला जी, ठीक हूँ यार। वो एक्चुअली हम कुछ टाइम के वजह से मैं भी खुद को देख रहा हूँ, तो मैं मुझे भी हंसी आ रही है खुद को देख, थोड़ा सा लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गई हुई है यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे गाल नंगे हुए हैं, मैं नंगा खड़ा हूँ अभी। एक साल से दाढ़ी थी यार गाल पे, तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो गाइस चलो फाइनली ये तो चलो जो होना था हो गया, मैंने घर की खेती है, दोबारा आ जाएगी, दोबारा रख लेंगे, कोई ईशा का इशू नहीं है। तो आज है दिन ईशा का टैटू बनाने का। तो जब लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हम ढूंढने गए थे इसके लिए कोई टैटू आर्टिस्ट, तो हमने ढूंढ लिया था, उसको फाइनल कर लिया था। शाम को घर आके हमने उससे बात करके उसके लिए हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो अपॉइंटमेंट मिली है आज शाम के 5 बजे की, और वो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। यहाँ से हार्डली वही 10-15 मिनट लगते हैं सारे हमारे घर से वहाँ पहुँचने के लिए। तो अब यहाँ से हमारे को जाना है। तो देखिए बीवी रेडी है साथ में, कार्टून देख रहा है, और ईशा भी बिल्कुल रेडी है। खिड़की से धूप आ रही है बहुत जोर की बाहर से, तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो ईशा देख सकते हो आप एक्साइटमेंट, ये बीवी से ज़्यादा एक्साइटेड होती है ऐसी चीज़ों के लिए। हमारे घर का दूसरा बच्चा है ये क्या बोल रही है, दोबारा बोल रही है, अगले हफ्ते बनाते हैं। अगर अभी कैंसिल करना हो ना भैया, नहीं है इसके अंदर पेशेंस अगले हफ्ते तक वेट करने का। ये दिमाग खाली है मेरा। अच्छा कैंसिल करें फिर आज? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो गाइस चलो हम तो रेडी है। तो अच्छा टाइम कितना हो रहा है, 4:30 में तो अब चलते हैं यहाँ से। 15 मिनट लगेंगे यहाँ से हमारे को वहाँ पहुँचने में। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं सीधा पार्किंग की तरफ, गाड़ी में बैठते हैं और ईशा का जो टैटू बनाने का भूत है उसे उतारते हैं, आज जाके टैटू बनवा देते हैं। हाय एवरीवन, बेबी से हाय एवरीवन, क्या छो आप छो अभी? डैडी डैडी की बियर कहाँ गई? ये मुझे बियर बोल रहा, बियर है बियर। ठीक है गाइस, तो मैं पहले फटाफट से थोड़ा 2 चम्मच मेरे खीर के बचे हुए खाने को मैं इन्हें खा लेता हूँ, और उसके बाद चलते हैं पार्किंग में और मिलते हैं सीधा आपको गाड़ी। घर से निकल चुके हैं हम, अब बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर। तो जो टैटू आर्टिस्ट है जिसके पास हम जा रहे हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे लोकेशन दी है। तो जो लोकेशन उन्होंने दी है वो है नीलाद्री, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अंदर ही है, यहाँ से बस अब 2-3 किलोमीटर ही बचा है। आज संडे है तो वैसे इतना ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं कह सकते, ठीक है नॉर्मल सा ट्रैफिक है, ज्यादा ट्रैफिक है नहीं है। तो गाइस हम लोग पहुंच ही चुके हैं, हम सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से अब 400-500 मीटर रहा है। तो ईशा गूगल मैप देख रही है जो उन्होंने लोकेशन हमारे को दी है, आई थिंक बस थोड़े से डिस्टेंस पे है। ईशा कितना दिखा रहा है अब? 800 मीटर्स इतना है अब, एक फिर तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पड़ा हुआ है अभी यार।
सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से जैसे जैसे करके गलियों में अंदर थी शॉप, तो हमारे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वहां पे ओशियन टैटूज करके है, तो वहां पे भाई अभी बाहर आए थे, मैंने कॉल किया था। सो हियर इज द मैन, तो ये है भाई यो, गुड नेम ब्रो उत्तम, ये है उत्तम जी जिससे हमारी बात हुई थी फोन पे। हाय उत्तम, कैसे हैं आप? तो ये बनाने वाले हैं आयशा के टैटू आज, तो चलते हैं अंदर देखते हैं इनका स्टूडियो। तो गाइस यहां कहां पे है? ग्राउंड फ्लोर। हां इधर सेकंड शॉप है मेरा, एक आपका सिटी में अंदर है, इधर मेन ब्रांच है मेरा। अच्छा वहां मेन ब्रांच है। अच्छा मॉर्निंग वहां, इवनिंग यहां? हां। ओके तो हम पहुंच गए हैं, ये इनका स्टूडियो, यहां पे इनका इस तरह अरेंजमेंट है यहां पे, और सारी जगह टैटू टैटू दिख रहे हैं सारी जगह यहां पे। तो ये है यहां पे हॉट सीट जहां पे टैटू बनने वाला है। और भी देखो, देखिए आपने टैटू बनाया है? नॉट टैटू, नो मम्मा वांट टैटू, मेरी को नहीं चाहिए टैटू कुछ नहीं। तो हमने अपने कुछ डिज़ाइन से जो ईशा ने कुछ शॉर्टलिस्ट किए थे तो हमने भैया को दिए थे यहाँ पे, तो अभी इनके पास दिए थे, उसको फाइनलाइज कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या कलर करने हैं, सिंपल रखना है, कहाँ पे बनवाना है। तो ये है कुछ वो डिज़ाइन जो कि हमने शॉर्टलिस्ट किया था, ये ईशा का डिज़ाइन था। ईशा क्या है, कुछ एक्सप्लेन करोगी? व्हाट इज दिस? ये एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर अ डिजाइन कि जो मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन करे। ओके, तो सी द गुड मींस ये इट्स मोर लाइक ऑन पॉजिटिविटी, कि जब भी देखना है कुछ तो उसमें पॉजिटिव पार्ट ज्यादा देखना है, तो दैट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। और ये है क्या, इसे लिखा हुआ क्या है, वर्डिंग क्या है? ये है सी द गुड, सी द गुड। हां उसके अलावा जो इसका मून है, मून है तो इस ये भी कनेक्टेड है विद द टेक्स्ट। ओके, तो ये फ्लावर से शुरू हो रहा है और लीव्स भी है, मतलब ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जो मून है, मून भी मतलब 15 डेज फॉर्टनाइटली क्या है, बढ़ता छोटा बड़ा होता है, तो वो फेज भी है कि आपने घबराना नहीं है, कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में। ईशा कैसा है, इसमें कोई पेन हो रहा है? हल्का सा, नहीं हो रहा थोड़ा, जैसे कि इंजेक्शन सुई हल्की हल्की सुई चुभ रही है ऐसा लगता है ना। तो आप 5 मिनट में ईशा का टैटू पूरा होने वाला है, और उसके बाद आपको रिवील करते हैं कि फाइनल टैटू का लुक कैसा आया है। बाय। फाइनल लुक, थोड़ा पीछे करो ना, ये देखो जी ईशा, अच्छा लग रहा है ईशा, लुकिंग गुड, डैम गुड। हां इट हैज गॉट सम शेड आल्सो ना, मून हैज गॉट सम शेड। तो अब भाई ऐसे कलर का कैसा कहते हैं आप, ये नहीं जाएगा, कितना टाइम तक चलता है ऐसा, जब तक कब तक लगता है आपको कि कलर फेड हो जाता है टैटू में? फेड होने का चांस जैसा अभी कैसा, अगर धूप में आप जा रहे हो, केयर केयर कर रहे हो, या किचन लाइन में आप काम कर रहे हो, तब वो फेड होने का चांसेस रहता है। ओके, तो अगर नॉर्मली घर पे जैसे रहते हैं, अंदर रहते हैं, जैसा केयर करते हैं, जैसा मॉइस्चराइज रहते हैं, तो टैटू का लाइफ अच्छा होता है। ईशा तुम अभी नेक्स्ट मंथ छुट्टियां पड़ रही है हमारे स्कूल में, तुम घर जा रही हो, तो घर में हमारे सेब के बगीचों में खुदाई होगी, गोबर के किल्टे उठाने पड़ेंगे, तो उसमें तुम इसको प्रोटेक्ट कर पाओगी? तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ को, जिस काम के लिए हम घर से आए थे वो काम हो चुका है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं पार्किंग में मेरी गाड़ी का कोई चलान तो नहीं हो गया। चलो बेबी चलो चलो फास्ट, कम ऑन कम ऑन, मेरे घर की जनता आ जाओ अंदर, चलो बीबी जी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ बीबी जी। मुझे सीरियसली मैं बहुत डरी हुई थी पहले, मुझे लगा बहुत पेन होती होगी, बट इट वाज काइंड ऑफ मतलब नॉर्मल। तो गाइस फाइनली हम लोग सिटी से बाहर आ चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ को, तो बस अब एक ही काम बचा है हमारे को इस हफ्ते की वेजिटेबल लेने का। पूरे
हफ्ते की पूरी सब्जियां ले ली है। यो उठाया भी नहीं जा रहा, बहुत भारी है। आलू प्याज टमाटर तरबूज खरबूज यहाँ से लेकर भिंडी टिंडी जो भी है सब ले ली है। अब बस सड़क क्रॉस करनी है, गाड़ी हमारी वहाँ पे लगी हुई है। ईश्वर भी देखो वहाँ पे पहुँच भी गए हैं। फाइनली सामान गाड़ी में आ चुका है, तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर की ओर। ठीक है, हम टाइम से ही पहुँच चुके हैं, 7 बज रहे हैं 7 बजे हम घर पे आ गए हैं। ईशा के पास सफिशेंट टाइम है खाना बनाने के लिए, बिकॉज हम 9 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, तो उसके लिए भी क्यों ईशा ना बना ही लोगे ना तुम। आज तो ईशा कुछ भी कर लेगी, आज तो ईशा को मैं 56 भोग बनाने को बोलूँगा। आज तो बंदे नेक्स्ट लेवल पे ही है, तो आज तो सब कुछ कर लेगी ईशा, हवा में कर लेगी ईशा सब कुछ आज से। तो अब चलते हैं घर, आ चुके हैं हम हर जगह से घूम फिर के, और हम अपने घर के सामने वाली पार्किंग में पहुंच चुके हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में, अब जाके रिलैक्स मिला। जब पार्किंग में पहुंच जाते हैं ना, घर पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन मिलती है। बाकी इस रोड पे तो यार कहीं ना कहीं पार्किंग नहीं करने देते, कहीं आने नहीं देते, जाने नहीं देते, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं हम घर पे, और हमारे साथ है जी यहाँ पे मैडम मिस टैटू है, मिस टैटू। तो देखो या इट वाज अ वेरी नॉर्मल एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं है कुछ की। मैं इसको डरा के रखा थोड़ा कि बहुत दर्द होती है, खून भी निकलता है। नहीं पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मैंने होने नहीं दिया रिवील की मैं हूँ डरी हुई। चलो आज का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, चलो आज मौज मस्ती करके आ चुके हैं, तो अब टाइम हो चुका है खाना बनाने का, क्योंकि ज्यादा टाइम हम ले नहीं सकते। इसके बाद खाना ईशा बनाएगी नहीं, मुझे बाहर से मंगाना पड़ेगा। आपको राज का आज का लुक कैसा लगा और मेरा टैटू आपको कैसा लगा? चूसा हुआ आम हलवाई पता नहीं क्या क्या बोल चुकी है मुझे आज। नहीं चूसा हुआ आम तो नहीं, बट फूला हुआ कद्दू। मैं मोटा लग रहा हूँ दाढ़ी काटने के बाद। दाढ़ी के साथ लोग मोटे लगते हैं वैसे, ना पता नहीं, चलो जो भी है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई थिंक ही हैज गेन्ड वेट, मतलब मैं जितना चिढ़ा चुकी हूँ सुबह से, 7-8 kg मेरा, 7-8 kg मेरा वेट। कल मंडे से, मतलब कल सुबह से ही, मतलब जिम ज्वाइन करने वाले हैं लोग, तो दैट्स आई विल ट्राई थिंग। कमिटमेंट नहीं है कोई, पर हाँ कोशिश पूरी करूंगा कि मैं कल से जिम जाऊं। नाउ आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, राइट? हाँ वैसे सोचो तो मैं भी हूँ, मेरी ईगो पता नहीं कब हर्ट होगी इसके कि मेरा मेरी तौंद निकल रही है। चलो देखते हैं क्या होता है, रेजोल्यूशन बनाते हैं कुछ आधी साल का। हमारी मतलब हम दोनों की बॉडी ऐसी, हम गेन भी कर लेते हैं और फिर लूज भी कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं यहाँ से अब रूम की तरफ। हमारे पास सामान भी काफ़ी है, वो भी ले जाते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।